हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर, जबलपुर हज़रत निज़ामुद्दीन नई स्पेशल ट्रेन के बारे में। मैं आपको बताऊँगा ये गाड़ी कब चले, क्या रहेगा इस ट्रेन का रूट और टाइम टेबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन हुआ, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। देखिए आज की इस वीडियो आज हम बात करेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जबलपुर और जबलपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन चलने वाली नई स्पेशल ट्रेन के बारे में। ये गाड़ी जबलपुर से 02181021 नंबर के साथ जबलपुर से 3 नवंबर को चला जाएगी रात के 8:20 पर। हज़रत निज़ामुद्दीन दोपहर के 12:15 पर दूसरे दिन आएगी। वापसी में ये ट्रेन जब हज़रत निज़ामुद्दीन से चली तो हज़रत निज़ामुद्दीन से 02182021 नंबर के साथ ये ट्रेन आपकी 4 नवंबर को हज़रत निज़ामुद्दीन से दोपहर के 1:25 पर रवाना होगी। जबलपुर सुबह 4:45 पर पहुँच जाएगी। इसमें सभी प्रकार के डिब्बे लगाए गए हैं। देखिए इस ट्रेन का जब रूट रहेगा, जब ये ट्रेन जबलपुर से चलेगी तो जबलपुर से ये ट्रेन आपकी रात के 8:20 पर रवाना होगी। कटनी आएगी रात के 9:45 पर, कटनी मोड़वारा। दामू आएगी रात के 11:15 पर, रात के 12:15 पर सागर। बीना रात के 1:58 पर। सुबह 5 बजे ये ट्रेन आपकी झांसी रेलवे स्टेशन आने का समय रहेगा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन आएगी सुबह 6:50 पर। सुबह 9:05 पर आगरा कैंट, 10 बजे आएगी मथुरा जंक्शन। हज़रत निज़ामुद्दीन दोपहर 12:15 पर आ जाएगी। जब ये ट्रेन आपकी हज़रत निज़ामुद्दीन से चलेगी तो हज़रत निज़ामुद्दीन से ये ट्रेन आपकी सोमवार को चलाई जाएगी और दोपहर के 1:25 पर चलेगी। दोपहर के 3:30 पर मथुरा जंक्शन आएगी। इसके बाद ये ट्रेन आपकी दोपहर के 4:25 में आगरा ग्वालियर आएगी शाम के 6:35 पर। झांसी आएगी रात के 8:30 पर। बीना आई रात के 11 बजे। सागर आई रात के 11:50 पर। ये ट्रेन आपकी सागर पहुंचेगी रात के 1 बजे। दामो कटनी आई रात के 2:55 पर। सुबह 4:45 पर ये ट्रेन जबलपुर आ जाएगी। तो ये नई स्पेशल ट्रेन है जबलपुर से चलाई जाएगी हज़रत निज़ामुद्दीन। हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर हफ्ते में एक दिन चलेगी। इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग ओपन कर दी गई है। तो ये अपडेट थी हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर, जबलपुर हज़रत निज़ामुद्दीन नई गाड़ी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।